इंडिया 24/7 देश के मुसलमानों के हक हकूक की आवाज को उठाते हुए मुसलमानों के साथ हुए सियासी धोखे की सच्ची तस्वीर सुबह से दिखा रहा है। दिन भर हमने अपनी मुहिम के जरिए मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हर पहलू को दर्शकों के सामने रखा और सवाल हमने खड़े किए कि आखिर क्यों आजादी के 70 साल बाद भी देश का मुसलमान मेन स्ट्रीम लाइन में यानी कि मुख्य धारा से ही दूर रह गया। टीवी के इतिहास में मुसलमानों से जुड़े बुनियादी सवालों पर पहली बार ऐसी बहस हुई है, लिहाजा हमारी कोशिश हमारी प्रायोरिटी को हर तरह से तारीफ मिल रही है। इसका सबूत है हमारे पास आए वो हजारों ईमेल जिनके जरिए दर्शक अपनी राय हम तक पहुंचा चुके हैं। अब आज की मुहिम की आखिरी बहस की बारी है, ये समझने की बारी है कि दिन भर की कवरेज और बहस के बाद निष्कर्ष क्या निकल कर आया। आखिर मुसलमान वोट बैंक की तरह बन गए तो इसका जिम्मेदार कौन है और क्या इसके लिए नेतृत्व का अभाव जिम्मेदार है या फिर गलत नेतृत्व का चुनाव जिम्मेदार है। आखिरी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर, वोट बैंक की कश्मकश पर आज आखिरी बहस। इंडिया 24/7 ने रचा है एक नया इतिहास। हमने अकलियत के उस मुद्दे को अपनी महाकवरेज का एजेंडा बनाया जिस पर बहस करने से आमतौर पर लोग दूर भागते हैं। हमने मुसलमानों के हक की बात की, उनके नेतृत्व के सवाल की बात की, हमने मुसलमानों के साथ हुए सियासी धोखे की पड़ताल की, हमने आरक्षण को लेकर सच्चर और रंगनाथ कमेटी से जुड़े उन सवालों की पड़ताल की जिन्हें लेकर अक्सर भ्रम का माहौल बनाया जाता है। नतीजा मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी से लेकर सियासी जमात तक हमारी मुहिम की तारीफ कर रही है। आप उनके मतलों के बारे में उनके लिए इंसाफ के लिए आप एक मुहिम चला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मुहिम से मुसलमानों को इंसाफ और उनके हित को बढ़ने में फायदा मिलेगा। आपको बधाई और धन्यवाद। इसके लिए जितना हम इंडिया 24/7 को बधाई दें और साथ ही साथ इंडिया 24/7 से हम ये भी गुजारिश करेंगे कि वो हुकूमत से भी इस बात को करें कि किस तरह से इस समाज को कम से कम ऐसी स्थिति में तो लाया जा सके जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी बेरोजगारी और उनकी शिक्षा जो है वो पहले से बेहतर हो सके। दरअसल पीड़ित हुआ है देश का मुसलमान जिसे सांप्रदायिकता का डर दिखाकर पहले तो वोट बैंक बनाया गया, फिर वोट के ठेकेदारों के चंगुल में तबका ऐसा फंसा कि अब तरक्की के सवाल पर दिल की बेचैनी को जज्ब कर जाता है देश का मुसलमान, क्योंकि सालों से उसे सियासत ने यही बताया, यही समझाया कि तुम्हारे लिए असल मसला तरक्की नहीं सिर्फ और सिर्फ झूठी हिफाजत है जिसका वादा अलग अलग लोग करते रहे हैं, मगर अब सोच बदल रही है। लोगों को पूरा सही तरीके से असेस करने का ये राइट है कि किस हुकूमत ने उनकी भलाई के लिए कितना काम किया है और मुस्तकबिल में वो किस हुकूमत से क्या तवक्को रख सकते हैं जो उनकी भलाई के लिए काम करे। अब जनता की भलाई के ऊपर ही टेस्ट होना चाहिए इलेक्शन में। इस मसले पर कोई ध्रुवीकरण या कोई पोलराइजेशन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बंटवारे के बाद से ही मुसलमानों के लिए नेतृत्व का संकट बढ़ा रहा है। ये बेहद दिलचस्प है कि मुसलमानों ने हमेशा ही हिंदुओं को अपना नेता माना है। बंटवारे के वक्त बने हालात में भारतीय मुसलमानों ने महात्मा गांधी को अपना नेता माना, कांग्रेस पर भरोसा किया। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू बन गए अकलियत के नेता, तो बाद के सालों में इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक मुसलमानों के नेता बने। ये और बात है कि अयोध्या आंदोलन के दौर ने मुसलमानों के भीतर वो सियासी डर दोबारा जिंदा कर दिया जिसके सहारे वोट बैंक की सियासत ने जोर पकड़ा था। मंडल और कमंडल के खेल में मुसलमान क्षेत्रीय ताकतों में बट गए, जो स्थिति आज तक बनी हुई। अब मुसलमानों के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव हैं। अयोध्या आंदोलन के बाद मुलायम सिंह इस तबके के हीरो बन गए थे। हाँ, ये जरूर है कि मुलायम सिंह यादव को अपनी छवि का फायदा सिर्फ यूपी तक ही मिल पाया, पड़ोसी राज्य बिहार में भी नहीं मिला। मुलायम सिंह साहब ने कहा कि मैं भी ये चाहता हूँ कि मुसलमानों से जो वादे हुए उन वादों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि 15-20 दिन का मुझे मौका और दीजिए, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। शिक्षा का, उनकी तालीम का इंतज़ाम हो, उनको रोज़गार मिले, उनको इंसाफ मिले, उनको हिफाजत मिले, तहफ़ सिक्योरिटी मिले। जब तक ये पूरे मुल्क की आबादी को नहीं ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असल में मुसलमानों के लिए नेतृत्व का संकट पैदा होने की एक बड़ी वजह मजहबी विचारधारा का हावी हो जाना भी है। आज़ादी से पहले नेहरू से ज्यादा अंग्रेजी दारा मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम नेतृत्व शुरू किया तो कट्टर मजहबी बन गए। नतीजा धार्मिक अतिवाद के दौर में भी वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के रहनुमा नहीं बन पाए, देश तोड़ लिया दिल नहीं जोड़ पाए। अब आज़ादी के बाद यही हालत तो वैसी बदरुद्दीन अजमल, मोहम्मद अयूब, ऐसे ही जैसे नेताओं का भी है जिन्होंने मुस्लिम पॉलिटिक्स का विकल्प तो खड़ा किया
मगर कट्टरता और मजहबी व्यवहार ने इन्हें अखिल भारतीय बनने ही नहीं दिया। नतीजा मुसलमान दूसरों में अपनी गुंजाइश तलाशता है और ठगा जाता है। देवबंद से अनुराग और लखनऊ से अवनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। दूसरों को अगर मुसलमानों ने ताकतवर बनाया तो आज वो पिछड़े क्यों हैं? क्या वो एक सही लीडर चुन नहीं पाए? क्या चीजें सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिहाज से चली गई? क्या सिफारिशें जो रिपोर्ट की सामने निकल कर आई थी वो लागू नहीं हो पाई? सामाजिक शैक्षणिक आधार पर ये सबसे मजबूत कौम क्यों पीछे होती चली गई? और लीडरशिप के अगर सवाल की बात करें तो क्यों इतिहास गवाह है और अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि लीडरशिप नॉन मुस्लिम ही स्वीकारी गई है मुसलमानों द्वारा, उसके बावजूद भी क्या वो मैनिफेस्टो और वोट बैंक तक ही सिमटे रहे? ये चीजें कितनी जायज हैं? वोट बैंक की कश्मकश पर ही आखिरी बहस में हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे। अभी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनका परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। आजमगढ़ की बात कर लेते हैं, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ग्यास असद खान साहब मेरे साथ है और लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता न्यायश हसन मेरे साथ है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन सबसे पहले एक ओपनिंग कॉमेंट ग्यास असद खान साहब आपसे। मंडल और कमंडल के खेल में क्यों मुसलमान कंफ्यूज हो गए, क्यों मुसलमान पिछड़ गए? आपको नहीं लग रहा है कि जो उन्होंने लीडरशिप चुनी उसने उनका साथ दिया और जो वाकई लीडर उनके होने चाहिए उन्होंने चीजों को सामाजिक और डेवलपमेंट की राह पर ना लाकर एक धार्मिक चश्मा उन्हें पहना दिया जिससे उनका विस्तार नहीं हो पाया? बिल्कुल सही मैडम आप कह रही हैं कि मंडल कमंडल के युग में जब जिनको लीडर हमने अपना बनाया उन लोगों ने उस तरह से जिस तरह से मुसलमानों को एक अपेक्षा थी उनसे उस तरह से या तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए या हमारा सिस्टम ऐसा था जिसकी वजह से वो काम जो है नहीं हो पाया। इसलिए जाहिर सी बात है कि मुसलमान जो है पिछड़ता चला गया। हमने आपसे पहले भी कहा था कि मुसलमान को खुद भी अपना रास्ता ये ढूंढना पड़ेगा और हम लोगों को आगे बढ़ करके ये कहना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कम से कम हमारा तो 62-70 साल निकल चुका है, हमें बच्चों से ये कहना पड़ेगा कि हाँ यू कैन डू इट, हम लोग भी बराबर के नागरिक हैं, हम लोग जब मेहनत करेंगे तो हम भी जो है अपना एक स्टेटस बना सकते हैं। एज़ फार एज़ लीडरशिप इज़ कंसर्न, जहाँ तक नेताओं की बात है तो इसके ऊपर अब बहस बहुत माने नहीं रखती है क्योंकि इतने सालों में सब देखा जा चुका है। तो इस कौम के लोगों को खुद आगे बढ़ करके कौम के लोगों ने तो इमोशनल होकर भी वोट दिए ना, बाद में मजाक उनके वोट का ही बन गया। जी ये सही बात है कि जिस तरह से होना चाहिए था उस कौम के साथ वो इंसाफ उसको नहीं दिया गया है और इसके लिए हम किसी को वो नहीं करते हैं, इसमें हमारी भी कमी शामिल है प्लस हमारा सिस्टम भी इस तरह का है कि जहाँ पे सिर्फ नारेबाजी ज़्यादा होती है, बातें ज़्यादा की जाती हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो ज़ीरो हमें दिखाई दे जाती है और ध्रुवीकरण की दिशा में चीजें आगे चली जाती है। एक सही लीडरशिप होती तो आपको डेवलपमेंट की बात करती, आपको आगे बढ़ाती, पूरे पैन इंडिया की बात करती, ना कि बांटती और सियासी ध्रुवीकरण के फॉर्मूले में उछाल देती। मेरे साथ मौलाना कलबे सादिक भी जुड़ गए हैं, जफर आप जिलानी साहब हैं, नायश हसन हैं और आजमगढ़ से हमारे गेस्ट ने बहुत ही एक अच्छा कमेंट भी दिया डॉक्टर ग्यास असद की, कुछ गलतियां हुई हैं और ऐसी गलतियां हुई जिसके कारण हम वोट बैंक बन गए और मैनिफेस्टो तक सिमट कर रह गए। मौलाना कलबे सादिक मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आपकी लिबरल विचारधारा जो है वो बहुत फेमस है। आपने एक बयान दिया था और आपका ये कहना था कि मुसलमान समय समय पर बेवकूफ बनाया गया या बन गया, ऐसा सर क्यों हुआ, क्यों वो वोट बैंक बन गया, क्या जिसको चुना वो लीडर बनने लायक ही नहीं था, एक अच्छे नेतृत्व का अभाव क्या इस कौम में आप देख रहे हैं? मुसलमानों की जो मेजर प्रॉब्लम है जिसे मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, उनकी तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। पहले ये कि उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, दूसरे वो गरीबी का शिकार हैं और तीसरे जो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ लेकिन आम तौर पर जिनको लीडर कहा जाता है उनमें विजन की कमी है, वो आगे ज़्यादा नहीं देख पाते, लोग उन पर एतबार करते हैं, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ गई। नहीं तो सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों लीडर्स पर ट्रस्ट किया गया,
क्यों लीडर्स ने सिर्फ डेवलपमेंट की राह पर आगे ना बढ़कर सिर्फ धार्मिक चश्मा पहना और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भूल गए जिसके बिना पर वो एक लीडर बनने वाले थे? जी तो ये तो गलती हमारे हिंदू भाइयों से भी हुई जी। उनके अब यही मसला है, नहीं नहीं धर्म की लहर में बहते चले जा रहे हैं और जो हमारे देश के असल प्रॉब्लम्स हैं जी। बिल्कुल सादिक साहब बोलिए जी। मैंने बताया आपसे कि ये पूरे देश की प्रॉब्लम है, हमने अंग्रेजों से यह देश लिया था इसलिए कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यहाँ से बुराइयाँ मिटेंगी, यहाँ से भ्रष्टाचार जाएगा। अंग्रेजों से ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया, उससे ज़्यादा गरीबी आ गई। हमसे कहा जाता है ओम कहिए, हम ओम कह देंगे, लेकिन आज हिंदुस्तान के लिए देश के लिए ओम मसला नहीं, होम मसला है। करोड़ों आदमी बगैर होम के पड़े हैं, पहले उनको होम तो दिलाइए, बाद में आप ओम की बात कीजिएगा। तो जो फोकस है लीडरशिप का, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, दे आर ऑल पावर हंग्री। जफर याब जिलानी जी के पास में चलती हूँ। जफर याब साहब, क्योंकि आप कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, कानूनी पक्ष आप समझते हैं, हम गांधी युग से लेकर मौलाना मुलायम मेरे मुंह से निकल गया, आप समझ सकते हैं एक समय में उन्हें बोला जाता था, गांधी युग से लेकर इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब एक लीडर्स के तौर पर उभरे हैं, मुस्लिम लीडर्स के तौर पर उभरे हैं, जो समय समय पर जब इलेक्शंस होता है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्र कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों की बात होती है। लेकिन क्या आप मुझे पॉलिटिकल लिहाज से बता सकते हैं कि सो कॉल्ड सेक्युलर नेताओं के सामने ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि वो सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू ही नहीं कर पाए? क्या मजबूरी थी ऐसी? देखिए, सच्चर कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कायम की थी और वो रिपोर्ट सबमिट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स है उसको उस पर अमल दरामद करना था। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो स्टेट्स से भी ताल्लुक रखती थी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट से मुतालिक चीज़ें थी, जब यह सरकार समाजवादी की आई है 2012 में, तो इसने उसके अलग अलग पोर्शंस को अपने लिहाज जो उन्होंने कहा था उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर है कि सच्चर कमेटी एज ए होल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उन्होंने क्या उस पर किया, वो हमेशा कहते रहे कि हमने 90% कर लिया, उस पर अमल दरामद कर दिया, लेकिन हकीकत यह है ग्राउंड पर 90% क्या, 9% में मुश्किल से देखने को आता है। तो ये स्टेट के लेवल पर तो हुआ है, मिसाल के तौर पर जो तालीम के मैदान में जो स्कॉलरशिप वगैरह की बात थी, तो स्टेट का तो स्कॉलरशिप का बढ़ रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 साल से स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम पैदा हो रही, कभी अगरचे ऑनलाइन होता है लेकिन अब आता नहीं उसका अमाउंट। अभी सर्वे किसी माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट वालों ने किया था, शायद आप ही के चैनल ने या ETV ने, तो उसमें दिखाया था उन्होंने कि भाई जो 300-350 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप का अमाउंट था वो धीरे धीरे लास्ट ईयर कुल 12 करोड़ बटा। तो जफर याब साहब हमारे साथ जस्टिस सच्चर भी थोड़ी देर में यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनकी सिफारिशें क्यों नहीं लागू हो पाई, उसकी बड़ी बातें क्या थी, वो मुसलमानों तक को पता है, कुछ को पता ही नहीं है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें हैं क्या, उस पर भी उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन जफर याब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ठीक है, तकनीकी दाव पेज पर तो आपने बात कर ली जफर याब साहब कि ऐसे कुछ तकनीकी दाव पेज थे जो हम इसे लागू नहीं कर पाए, लेकिन वाकई कोई लागू करना चाहता था? क्योंकि एक वोट बैंक को साधने के चक्कर में दूसरा निराश हो जाएगा और हमें लीडर तो बनकर रहना ही है। जफर याब साहब, नहीं देखिए, ये तकनीकी दाव पेज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले बताएंगे, मुझे तो उस तकनीकी दाव पेज मैंने कोई नहीं बताया आपको। मैंने बताया आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालिक सिफारिशें थी, हाँ तो स्टेट पे मैं आपसे बता रहा हूँ, आप उसको सुनिए। तो स्टेट ने जैसे अपने वहाँ इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसमें जो बातें स्टेट से मुतालिक थी, मिसाल के तौर पर वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट की बात थी, तो पहले बजट में 300 करोड़ रुपए ग्रेवयार्ड्स की बाउंड्रीज़ के लिए 200 करोड़ रुपए पास हुए, उसके बाद सेकेंड बजट में 300 करोड़ रुपए पास हुए यहाँ, और सब पे असर अमल हो रहा है। ग्रेवयार्ड की चार दीवारी का मकसद ये है कि ग्रेवयार्ड से प्रोटेक्टेड रहें और उस पर जो झगड़े होते हैं कब्रिस्तानों वगैरह पर वो ना हो सकें, तो उस लिहाज से फिर उन्होंने उसको वाइट कर दिया, नॉन मुस्लिम्स के भी ग्रेवयार्ड कवर कर दिए, शमशान घाट के लिए 100 करोड़ रुपये पास कर दिए। तो चार बजट पांच बजट में 1300 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने इस पर खर्च किया है, पास किया है और वो खर्च हो रहा है। आपको हज़ारों की तादाद में ग्रेवयार्ड की बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट हो गई हैं या हो रही हैं,
तो यूपी में एक और योजना इन्होंने चलाई सबके लिए, उसमें जैसे पेंशन की चलाई समाजवादी पेंशन योजना, 25% इन्होंने ईयर मार्क कर दिया माइनॉरिटीज़ के लिए। वो हाईकोर्ट में चैलेंज भी हुआ लेकिन हाईकोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया। पहले ये समाज जो माइनॉरिटीज़ थे ख़ासतौर से मुसलमान ज़्यादा हैं उनको ये पेंशन नहीं मिल पाती थी, हालांकि पेंशन का स्कीम पहले भी थी। तो अब उसके बाद ये इंश्योर हो गया कि नहीं इतने आपको देना है, तो अब 50 लाख लोगों के लिए पेंशन गवर्नमेंट ने फ़ंड मुहैया कराया है। तो इसलिए एक कदम उठाया है। यहाँ पर मदरसों में 150 मदरसों को इस बीच में 13 और 14 के बजट में उसके ग्रांट के लिए लेने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये सचर कमेटी की रिपोर्ट को क्या पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है, कितना व्यावहारिक है, इस पर भी आपसे आगे की डेट में चर्चा करेंगे। और सवाल उस लीडरशिप पर भी होगा जो चीजों को धार्मिक ध्रुवीकरण के पाथ पर ले जाता है, ना कि एक सच्ची डेवलपमेंट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पर। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सचर कमेटी के चेयरमैन और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रजिंदर सचर साहब भी मौजूद हैं। सचर साहब, सुबह से ही हम बात कर रहे हैं कि क्यों मुसलमान, जिसने एक कौम जिसने सबके लिए किया लेकिन आज वो पिछड़ गया, डेवलपमेंट में उसका स्थान क्यों नहीं रहा और क्यों एक वोट बैंक तक सिमट कर रह गया, सिर्फ उसका नाम मैनिफेस्टो में आता है। आपने जो रिपोर्ट बनाई थी सर, उसकी सिफारिशें पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं हो पाई, आपको क्या लगता है क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? ये सवाल तो काफ़ी जगह रिसर्च के बाद भी पता लगता है, मगर गवर्नमेंट के अपने फिगर से 2011-12 में जो पार्लियामेंट्री सब कमेटी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो सिफारिशें थी वो नहीं की गई, वो नहीं मानी गई। ये 2011-12 की रिपोर्ट है। और वैसे जो कंप्लेंट्स इंडिविजुअली लोगों से आते हैं उससे तो यही पता लगता है कि जो पैसा टारगेट पे लगाना चाहिए वो टारगेट पे नहीं लगा है। जो सबसे बड़ी त्रुटि और खामी है वो ये है कि जो पैसा सेंक्शन जो होता है वो उन एरियाज में नहीं लगता जहाँ के मुस्लिम की अक्सरियत है, तो वो जहाँ अक्लियत है वहाँ लग जाता है। तो पैसा तो उतना खर्च हो गया, माइनॉरिटी भी खर्च हो गया, मगर उसका जो फ़ायदा होता है वो पूरा फ़ायदा मुसलमानों को नहीं पहुंचता। मुसलमान नहीं है सच, क्योंकि वो पिछड़े हुए लोग हैं, तो पिछड़ा हुआ एरिया है। तो ये तो पार्लियामेंट्री सब कमेटी की रिपोर्ट है, अब इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप इसका जवाब कलवे सादिक साहब से ले लेते हैं। कलवे सादिक जी, ये जो लक्ष्य है जो मुसलमानों के उत्थार के लिए था, उनको डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ाने का था, इसमें क्या रुकावटें आपके हिसाब से रही है? देखिए, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हम तो मुसलमानों ही कहते हैं, जब तक मुसलमानों में खुद जान नहीं पैदा होगी, खुद ही आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे बगैर किसी सहारे के, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम इसी तरह से बनी रहेगी। आप मुझे 2-3 मिनट दे दीजिए। देखिए, आप मुसलमानों में देखिए, बौरी हैं, बौरी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, ना गुरबत है ना जहालत है, खोजे हैं उनका ना कोई गुरबत है ना कोई और दूसरी प्रॉब्लम है। सुन्नी हजरात में देखते हैं मेमन को, उनका ना गुरबत है ना जहालत है। तो जो शिक्षण खुद खड़े हो गए अपने पैरों पर, उन्होंने मरहले को तय कर लिया। आगे आप देखना चाहें इंटरनेशनल स्केल पर, तो मैं आपसे बेटा पूछना चाहता हूँ कि यहूदियों को जब जर्मनी से निकाला गया था और वो अमेरिका पहुँचे थे, तो अमेरिका में जाकर उन्होंने कौन सा चार्टर पेश किया था वहाँ के गवर्नमेंट के सामने कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए? ये बात बहुत लंबी है मगर है बहुत अहम, मगर मैं उसको नेशनल बता रहा हूँ कि जो यहूदी लीडरशिप थी, उन्होंने यहूदियों से ये बात कही कि तुम ना एहतजाज करो, ना नारे लगाओ, ना रिजर्वेशन, कुछ नहीं, तुम दो चीज़ें पकड़ लो, एक एजुकेशन एक फाइनेंस, और तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लीडरशिप में विजन था, लीडरशिप में विजन था, लोगों ने उस पर अमल किया। आज देखिए कितनी मुश्किल, 3% यहूदी हैं अमेरिका में, लेकिन आज ये गए थे वहाँ पर पनाह लेने के लिए, आज अमेरिका इनकी पनाह में आ चुका है। ये अगर अमेरिका छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकते। ये रास्ता क्लियर है मुसलमानों के लिए। मैं ब्रिटेन की मिसाल भी दे सकता था, मैं नीदरलैंड की मिसाल भी, जहाँ मैं अभी होके आया हूँ, कि वहाँ यहूदियों ने क्या किया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब तक के मुसलमान सबका सहारा छोड़कर, अपने पैदा करने वाले का सहारा लेकर, जो उसने वादा किया, खड़े नहीं होंगे और ख़ुद जद्दोजहद या जिहाद जिहाद वो लड़ाई वाला नहीं, एग्जर्शन जब तक एग्जर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तो कोई मसला मुसलमानों का हल नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी
कलबे सादिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर लीडरशिप की बात हो तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ, लीडरशिप की बात हो तो आपको नहीं लग रहा कि देश के मुसलमान जो लीडर है वो प्रगतिशील की जगह शुरुआत तो उससे करता है लेकिन धीरे धीरे विचारधारा और जो राह होती है वो सीधे तौर पर मजहबी हो जाती है? ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जिससे समझना काफी जरूरी है उन लोगों के लिए जो वोट बैंक तक ही सीमित हो गए। मजहब अल्लाह की एक नेमत भी है और मजहब एक मुसीबत भी है। अगर मजहब सही हाथों में रहता है तो कौमें आगे बढ़ती हैं, मजहब जब रिचुअलिस्टिक हो जाता है तो फिर वो बहुत मुश्किल आ जाती है। यही मसला मुसलमानों के सामने है, यही मसला हमारे हिंदू भाइयों के सामने है। हम ज्यादा कहना नहीं चाहते, माहौल खराब हो जाएगा। नहीं ठीक है, वैसे भी आप अपनी लिबरल विचारधारा के लिए जाने जाते हैं तो आप दोनों पक्ष सही तरीके से प्रस्तुत यहाँ पर कर रहे हैं और जो सही कंडीशन है उसको बताने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बात हम मुसलमानों की कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट की, ताकि उन्हें से वोट बैंक ना समझा जाए। सचिन साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, हमने आज दिन भर ये फीडबैक इकट्ठा करा देश के मुसलमान भाइयों से बात की, उन्हें तो पता ही नहीं है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें उनके लिए है क्या, क्या आप इसके लिए एक लीडरशिप को जिम्मेदार मानते हैं जिन्होंने सिफारिशों के बारे में, इसके एडवांटेज के बारे में, और अगर ये लागू हो जाए तो उनका कितना उद्धार होगा, वो कितना डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ेंगे, ये नहीं बताया आपने वोट बैंक को जिसे वो मानते हैं? देखिए, हमने एक देखिए जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं मुस्लिम की, और स्टेटिस्टिकली भी आ गया है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है हाउसिंग में या सर्विसेज में, तो हमने सजेस्ट करा था कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जो ये प्राइवेट कंप्लेंट्स होते हैं वो हाई कोर्ट में तो नहीं जा सकते, मगर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज़ों को देख सके जिसको इंडिविजुअल को शिकायत है। ये हर जगह होता है, ये बाहर भी होता है, इंग्लैंड में है, यूएसए में है, मगर वो नहीं बनी, अब पिछली गवर्नमेंट ने भी नहीं बनाई। अगर ये गवर्नमेंट कुछ सही मानों में काम करना चाहती है तो मैं समझता हूँ ये मिनिमम है, क्योंकि फिर जो कंप्लेंट होगा वो कंप्लेनर जाके कमीशन के आगे कह सकता है। अभी हमने अखबार में न्यूज पढ़ ली, अब आई डोंट नो कितनी करेक्ट है कितनी नहीं करेक्ट है, तो इसमें एक सबसे बड़ा तो यह है। और दूसरा मैं एक बात पर जोर डालना चाहता हूँ कि ये हर हिंदुस्तानी को समझना पड़ेगा कि मुसलमान अक्लियत है इसलिए कि रिलीजन के लिहाज से, मगर इस मुल्क में वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, मुसलमान का भी उतना ही हक है जितना कि हिंदू का या किसी और का। हम फर्क यह है कि जैसे मैं आप अमेरिका जाके बसे हैं तो आप तो माइनॉरिटी रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो मुल्क आपका नहीं है, ये मुल्क मुसलमानों का है, मुसलमान ये नहीं है कि ये मुल्क हिंदुओं का है और मुसलमान कुछ आके यहाँ बस गए हैं। बिल्कुल, दे बिलोंग टू दिस नेशन, ये मुल्क सबका है और जागीर है जितनी के हिंदुओं की। बिल्कुल, ये मुल्क सबका है और सबको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान का इतिहास ही बहुत कभी बहुत खूबसूरत रहा है, हालांकि हिस्ट्री हैज बीन क्रूअल, लेकिन सबको समान अधिकार, सबको डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ाने की बात है, चाहे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक तौर पर। बेहतर ये होगा कि किसी भी चीज को आप धार्मिक चश्मा पहना कर आगे बढ़ाओगे तो वो चीज ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। कई राज्यों के चुनाव ने इस बात की तस्दीक दी है कि कोई भी मुस्लिम लीडरशिप उभर कर आई है उसने धार्मिक रंग किसी को दिया वो फ्लॉप हो गई। और लीडरशिप के सवाल पर हम बात करेंगे, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देश की सबसे मजबूत कौम सबसे पिछड़ क्यों रही है, कौन है गुनहगार, इस पर इंडिया 24/7 की पड़ताल सुबह से ही जारी है। हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक हाथों की कठपुतली क्यों बन गए हैं मुसलमान, चाहे इतिहास की बात करें या फिर प्रेजेंट की बात करें। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। नाइश हसन, आपसे सीधा सवाल, क्यों हाशिए पर है मुस्लिम नेतृत्व? देखिए, मुस्लिम नेतृत्व जो है उसके हाशिए पर होने के बहुत से ऐतिहासिक कारण हैं, और एक कौम, कोई भी कौम पिछड़ी बनी रहना नहीं चाहती, उसे बाकायदा पिछड़ा रखा जाता है, ये आप आज़ादी के बाद से देख सकते हैं लगातार। पर अभी जो हमारा फोकस है, हम अगर उसको देखें कि मौजूदा सियासत जो है उसने मुसलमानों के साथ क्या किया,
सचर कमेटी की रिपोर्ट जो कहती है कि 22% भारत के लोग गरीब हैं, जिसमें 38% शहरी मुसलमान गरीब है जो अनुसूचित जाति और जनजाति से भी पीछे है। अब सचर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसके बाद हमारे फर्ज बढ़ जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। हमारे पास एक दस्तावेज आ गया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छा काम किया था। 24 अगस्त 2013 को एक उन्होंने जियो पास किया था। मैं कॉपी आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर आप देख पा रही हूँ। ये जियो वो मुख्य सचिव जो थे उस टाइम जावेद उस्मानी, उनकी अध्यक्षता में ये जियो पास किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितनी भी हमारे स्कीम है उसका 20% मात्रकृत किया जाएगा अल्पसंख्यकों के लिए, जिन जगह की आबादी 25% है मुसलमानों की। और उसमें ये एक बहुत अच्छी बात थी कि 85 स्कीम्स जो 30 डिपार्टमेंट से जुड़ी थी उनसे जोड़ा गया था, और 30 डिपार्टमेंट 85 स्कीम, जिसमें सारे लगभग विकास के काम शामिल किए गए थे। अब ये एक अच्छी योजना बनी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि उन डिपार्टमेंट का 4 साल के बाद अभी एक्शन एड ने एक अध्ययन किया, उसमें स्थिति बहुत ख़राब निकली। उसमें पहली बात ये कही गई थी कि वो एक वेबसाइट बनाएंगे उर्दू और हिंदी में। 4 साल निकल गया, अभी तक वो वेबसाइट नहीं बनी। उसमें कहा गया था कि जिलाधिकारी एक 15-15 दिन पे बैठक करेगा और रिपोर्ट देगा। डिपार्टमेंट में जाने पे ये पता चलता है कि उनके पास 1 साल से ज़्यादा का कोई डेटा ही नहीं है जो बता सके, और बहुत सा फंड बचा रह गया। और एक बात होती है कि आप एक सियासी मैनिफेस्टो होता है और रियल डेवलपमेंट मैनिफेस्टो है, तो सियासी मैनिफेस्टो यहाँ जो था वो हावी रहा। कि वो उसको मैं आपको एक दो लाइन में बता देती हूँ कि सियासी मैनिफेस्टो में इसको कहूँगी कि ग्रेवयार्ड की बाउंड्री के लिए उन्होंने एक बड़ा फंड 400 करोड़ का एलोकेट किया, और उसके अलावा उर्दू फारसी के स्कूलों के लिए उन्होंने 578 करोड़ का फंड एलोकेट किया, और वही स्किल डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ का फंड है, प्री मैट्रिक के लिए 48 करोड़, पोस्ट के लिए 148 करोड़। तो मैं यहाँ इसको ऐसे देखती हूँ कि ग्रेवयार्ड या अरबी स्कूलों में इतना पैसा लगाने से रियल मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं है। उर्दू पढ़ के जो भाषा रोजगार से कट जाती है उससे हम बहुत आपी की बात का जवाब जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। जिलानी साहब जवाब चाहिए इसका, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा आप राज्य सरकार की पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को लागू करना पूरी तरीके से व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है कि नहीं, सही बात बताइए। देखिए अभी जो नायब सदन साहिबा ने कहा बहुत सही फिगर दी उन्होंने। अब अगर ये जो जियो 2013 का है 24/8/13 का, इसके मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को भी, मुस्लिम लीडरों को भी, ज़िला सतह के लीडरों को, DM वगैरह को मुतवज्जे करना चाहिए। और हमें तो ये ताज्जुब हुआ कि जब हमने एक MLA साहब से पूछा, मुस्लिम MLA से, तो उन्हें इस जियो का इल्म ही नहीं था। तो बिल्कुल सही है, कह रही कि ये चीज़ें कुछ आई हैं, लेकिन जहाँ तक इन्होंने कहा कि अरबी फारसी मदरसा, ये गवर्नमेंट ने जो इसको एड दिया है, तो उसकी वजह यह है कि इसमें भी सचर कमेटी ने भी कहा है कि 4% मुसलमान बच्चे इन अरबी फारसी मदरसों में पढ़ते हैं, और आज गवर्नमेंट ने इन मदरसों के निकले हुए लड़कों के सर्टिफिकेट को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट मान लिया है। लिहाजा एजुकेशन को तरक्की देने के लिए इन स्कूलों को जो फंड दिया गया वो भी बहुत फ़ायदा है मुसलमानों को ही, उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। और आज ही गवर्नमेंट ऑफ UP ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया है कांस्टेबल्स वगैरह की भर्ती के लिए, तकरीबन 40,000 भर्तियाँ होंगी, उसमें इन सर्टिफिकेट्स को भी मेरिट माना गया है, ये हाई स्कूल इक्वल इंटर के बराबर। लिहाजा जितने काम हमारे नायब साहब ने बताए हैं ये सब भी ज़रूरी थे, इसके अलावा भी और काम कुछ होते तो अच्छा था, लेकिन जिन पर पूरा अमल दरामद नहीं हो सकने की जिम्मेदारी कुछ हम पर भी है, क्योंकि हम लोगों ने इसको 3 साल गुजर गए हैं, और बल्कि 3.5 साल गुजर गए हैं, अभी इसको हमने जो है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है कि जिससे हम मॉनिटरिंग कर सकें। कट गया टेलीफोन, कट गया सर भैया।
कलवे सादिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कलवे सादिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्यों मुस्लिम नेतृत्व उभर कर नहीं सामने निकल कर आया, क्यों उभर वो नहीं पाया है? क्योंकि सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स ने डराया अपने वोट बैंक को, डर असुरक्षा की भावना है कि भाई इनको वोट मत दो, नॉन मुस्लिम्स को वोट ना दो। हम तमाम राज्यों की स्थिति देखें, अगर उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल में फोकस करें और तमाम राज्यों में यहाँ पर देखें, तो क्यों ये नेतृत्व विस्तार नहीं ले पाया? इसमें एक अपनी सोच है या फिर चीजें थोपी गई हैं? देखिए, अभी आप सच्चर साहब से बात कर रही थी, सच्चर हाँ। साहब ने एक बात कही थी, वो मैंने पकड़ ली है। सच्चर साहब ने कहा था कि इस देश पर मुसलमानों का भी हक है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, लेकिन मसला ये है कि इस देश पर मुसलमानों का हक है तो देश का भी तो मुसलमानों का हक है। अगर देश ने मुसलमानों को कुछ दिया तो मुसलमानों ने देश को क्या दिया? एक आदमी था APJ अब्दुल कलाम, उसने देश को मिसाइल दिया, देश ने उसको राष्ट्रपति भवन में जाकर बिठा दिया। तो जब तक कि हम मुसलमानों की थिंकिंग नहीं बदलेंगे, उनका तर्ज फिक्र नहीं बदलेंगे, उनको सोचने का अंदाज नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक मसलों का हल होना मुश्किल है। देखिए, गवर्नमेंट का मसला बहुत टेढ़ा होता है, गवर्नमेंट है अब उस यहाँ पर हम ज़्यादा बात कर भी नहीं सकते हैं। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो कम्युनिज्म फैला हुआ है, वो सब आपके सामने। हमको बहुत मुश्किल से इस देश से वफादार दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल नेता हों, चाहे धार्मिक नेता हों, सब पावर हंगरी हैं, सब किसी न किसी सूरत से इस देश को लूट लेना चाहते हैं। टॉप प्रायोरिटी देश के लिए है कि यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ से गरीबी खत्म हो, यहाँ से जहालत खत्म हो। मुसलमानों के लिए है कि उनमें खुद जान पैदा हो, जब तक वो खुद जान अपने पैदा नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, यहूदियों की तरह से दुनिया में कोई जो गिरे हुए आदमी को उठा सकता है, लंगड़े को नहीं उठा सकता। सच्चर साहब, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक वजह जो पूरी प्रॉब्लम समाजों के सामने नहीं आती है, वो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में, पार्लियामेंट में, पंचायतों में। हमने रिपोर्ट में अपने में ये लिखा भी था कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पार्लियामेंट में 40-50 से कम जहाँ मुसलमानों की काफ़ी नंबर है, 30-40% है, और शेड्यूल कास्ट वो 5-10% है, उसको शेड्यूल कास्ट रिजर्व कर दिया गया। तो जो सीट्स नॉर्मली पॉपुलेशन के लिहाज से वो मुसलमान जीत सकते हैं, वहाँ उनका नहीं मिलता क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट हो गई। तो हमने कहा भी था कि इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के आगे सारी ये बातें होती हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ईमानदारी हो तो अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन करना चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव में डिलिमिटेशन ईमानदारी से हो। तो जब तक वो खुद रिप्रेजेंटेटिव, और मैं बार बार यही जो कहना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी से हाथ नहीं फैला रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो अपना हक मांग रहा है। तो ये समझ के चलना कि भाई मुसलमान अपना हक मांग रहा है, हक नहीं मांग रहा, हमसे कुछ इल्तजा कर रहा है या हमसे कुछ मांग रहा है, वो गलत है। वो अपना बेसिक राइट मांग रहा है, एज शहरी, एज सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो एक सोच है अच्छे भले लोगों में भी, वो यह कि जी मुसलमान तो जैसे कोई दूसरी इलाज है, हम अमरीका में नहीं बैठे हुए, अमरीका में तो मैं भी अकलियत हो जाऊँगा जाके। तो सबसे तो एक हमारा जो नक्शा है, सोचने का जो ढंग है, उसको बदलना पड़ेगा। और अगर अब जैसे मान लीजिए अभी निकला है कि सरकार वो क्या वैदिक टीचिंग्स को स्कूलों में लाना चाहती है, तो ये पढ़ाई के सेकुलर स्कूलों में नहीं होता है, लोग पढ़ते हैं। जैसे मदरसाज हैं, उसमें वो अगर आपके मदरसाज में ये प्रॉब्लम रही कि सिर्फ मदरसा में वो मदरसा की एजुकेशन होती है। अब केरल को देखिए, वहाँ मुसलमान सुबह के स्कूल में जाते हैं बच्चे, और शाम को मदरसा में जाते हैं, तो वहाँ 98% इलिटरेसी है। जी, तो ये दोनों तरफ से इस शिक्षा को बदलना पड़ेगा। सचर साहब, एक छोटा सा कमेंट में भी मैं इससे चाहूंगी कि क्यों कौम के बाहर ही मुसलमानों ने अपने लीडरशिप का यहाँ पर चयन किया है, अंदर क्यों नहीं? क्या इसके पीछे की दिक्कतें आई हैं? क्यों बाहर विश्वास जगाया गया है? क्यों वो नहीं चाहते थे कि वो वोट बैंक की कश्मकश में फंसे रहें? आप देखिए ना, वोट बैंक का तो सवाल नहीं होता है, वोट तो अपना देने को होता है। ये एक
कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुगालता होता है कि भाई ये पार्टी जो है ये सचमुच हमारे हक में काम करेगी, तो वो समझ के कि भाई ये पार्टी करेगी लोग वोट बैंक वहाँ दे देते हैं। मगर मुसलमान को मैं यही समझ बता रहा हूँ कि जब मुसलमान इस हिंदुस्तान का बकायदा का है तो वोट बैंक उसके लिए वो है जो उसके लिए काम करेगा, जो वेलफेयर के लिए काम करेगा। आप कंपेरिजन करके देख लें कि भाई कौन है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं भी ऑर्डिनरी वोटर हूँ तो मैं देखूंगा कि भाई ये मेरे हलके के लिए या मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। तो आपको जो भी एमपी के लिए खड़ा हो कि उससे क्या काम किया पब्लिक के लिए उसको देखना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं है। और ये तो जनता आप समझ ही सकता है, पहचान भी सकता है कि किसने काम करा। और अब ये खड़ा हो जाएगा कि मैं आपके लिए वोट करूँगा क्योंकि मैं आपका काम करूँगा, तो ये तो एक मजाक हो गया जी। खुली इजी इलेक्शन में यही तो हक होता है वोटर का। डॉक्टर ग्यास असद खान हमारे साथ आजमगढ़ से मौजूद हैं। डॉक्टर ग्यास साहब, आपको लग रहा है बहुत विश्वास हो गया लेकिन अब समझदारी से काम करने की ज्यादा जरूरत है, एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आगे बढ़ाए इस कौम को। देखिए निहारिका जी, आपने जिस तरह से इसको चलाया डिबेट को, आपने बहुत से सवालों का जवाब खुद दे दिया। उसके बाद इतने दानिश्वर लोग बैठे हैं जहाँ पे सच्चर साहब खुद बैठे हुए हैं, कल्बे सादिक साहब हैं, जफर याब जिलानी साहब हैं, सबने अपने व्यूज़ सामने रखे। अब मुसलमानों को वोट बैंक या मुस्लिम लीडरशिप की बात न की जाए बल्कि मुसलमानों को अब ये समझाने की ज़रूरत है कि उनको ख़ुद अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। और बहुत हो चुका, 68 साल 69 साल कितने हो चुके हैं आज़ादी के बाद से, और हमेशा हर इलेक्शन आता है वोट बैंक की बात की जाती है, पीछे मैनिफेस्टो में लिख दिया जाता है, लोग अपनी वोटिंग कर लेते हैं। मगर अब हम लोगों का फ़र्ज़ जो है और सबका ये बनता है कि हम लोग अपने बच्चों को कम से कम ये समझाएं, जैसा सच्चर साहब ने कहा कि भैया इक्वल राइट्स है, तुम भी इस मुल्क के रहने वाले हो। कल्बे सादिक साहब ने जिस तरह से कहा कि नहीं, खुद सामने आना पड़ेगा, इस वक्त इस बात की ज़रूरत है। जो सिस्टम था, जो लीडरशिप थी, उसको क्रिटिसाइज़ करके और ये करके हम अपने जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। इसलिए मुस्लिम्स को ख़ुद अपने बारे में सोचना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा कि हाँ, यू कैन डू इट, तुम्हारे अंदर सलाहियत है। और ये भूल जाओ सब लोग कि हम लोग जो हैं सेकंड ग्रेड के सिटीज़न हैं या हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम खड़े होंगे तो ज़माना हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। और इस पे बहुत डिबेट हो चुका, खड़ा हुआ है ज़माना, लेकिन अपने पैरों पर भी खड़े होने की ज़रूरत है, जिम्मेदार बनने की भी ज़रूरत है, लेकिन अब विश्वास से ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि कौम कहीं ना कहीं जाग गई। और हर चुनाव के परिणाम में अब दिख रहा है कि हर मुसलमान कोई धार्मिक प्रलोभन नहीं चाहता बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चाहता है। डेवलपमेंट पर बात हो रही है, नाइश हसन से बात कर लेते हैं इसके बारे में। नाइश जी, मुझे बताइए कि मैं बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टोस देखती हूं, आप भी देखते होंगे, चुनावों में गैर जरूरी चीजों पर खर्चा करने की जगह अगर कौम के उत्थान पर, उसके डेवलपमेंट पर काम किया जाए, उसके लिए बजट एलोकेट करके उसका क्रियान्वित करके श्वेत पत्र दे दिया जाए तो ये तो कौम लॉयल रहेगी एक के प्रति। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो वही मेरी बात को आगे बढ़ा रही हैं कि आप मैनिफेस्टो देखिए और मैनिफेस्टो को खुद ज़रा उसकी एनालिसिस कीजिए तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से अगर मुसलमानों के या किसी के भी डेवलपमेंट के सवाल ज़्यादा उसमें उठेंगे वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं बनिस्बत जज्बाती सवाल से। और आप देखेंगे कि यही होता है कि जज्बाती सवाल सबसे ऊपर की फहरिस्त में होते हैं और जो उनके रियल डेवलपमेंट के सवाल हैं वो बहुत नीचे और बहुत पीछे होते हैं। और जब 5 साल पूरे होने को है और ये तफ्तीश कर रहे हैं हम सभी लोग कि हम कहाँ पहुँचे, तो हमने देखा कि हम बहुत पीछे हैं अभी।
तो जवाबदेही होती है। मैं जो आजमगढ़ से साहब बैठे हैं उनकी बात से पार्टली एग्री करती हूँ और पूरा एग्री नहीं करती हूँ कि अब कौम को ये कहना होगा। कौम कभी नहीं गरीब रहना चाहती थी, कौम तो तभी चाहती थी कि हम आगे बढ़े रहें, लेकिन हम तो ये थोड़ी कह रहे थे कि हम पिछड़े रहना चाहते हैं जी आप लोग अगड़े रहिए, लेकिन हमें पिछड़ा रखा गया है। तो जवाबदेही जिसकी है, जिसके हाथ में पैसा है, जिसके हाथ में पावर है, जो सरकारें हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी अभी कहूँ कि जो हाल निकल के आया है इस रिपोर्ट में, क्या वो जवाब देंगे कि वो चार साढ़े चार साल से क्या कर रहे थे? क्या एक छोटा सा काम उनसे नहीं हो पाया? यदि नहीं हो पाया तो अगले आने वाली सरकार में वो क्या वायदा करेंगे? 30,000 रुपए मिल रहा था लड़कियों को एजुकेशन का, वो भी बंद हो गया। तो हमें लगता है कि लोगों के बीच जाना, जनता के सवाल को लेना बहुत अहम है, बनिस्बत कि आप चंद लोगों को खुश करने के लिए काम करें। वो नहीं, एक वोट बैंक को साधने के चक्कर में दूसरे वोट बैंक को हाथ से गवा दें, चंद लोगों के लिए काम करना छोड़ दें। जफर याब साहब भी नाइस जी आपके सवालों का जवाब देंगे। जफर याब साहब, आपने हमारे चैनल में बोला था कि इमोशनल इशूज को पीछे करके, जज्बाती सवालों को पीछे करके हमें डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ना है। तो क्या आने वाली डेट में आप उस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करेंगे जो इमोशनल इशूज को लेकर आगे बढ़ रही है? क्योंकि इस डेफिनेशन के हिसाब से तो लीडर वही है जो डेवलपमेंट की आज की डेट में बात करे, ना कि धर्म और इमोशंस के नाम पर लोगों को भटकाए। बिल्कुल सही, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट पर ला जाना चाहिए। किसी सियासी पार्टी को, चाहे मुसलमानों की हो चाहे वो हिंदुओं की हो, जो धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे उसको कतई नहीं जीतना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी को ऐसी पार्टियों को हराना चाहिए जो आपस में मुनाफरत, नफरत और घृणा पैदा करने की कोशिश करें और एक दूसरी कम्युनिटी को एक दूसरी कम्युनिटी से लड़ाएं। बहुत डेवलपमेंट के नाम पर जो लोग इलेक्शन लड़ें और अपना माजी भी दिखाएं और मुस्तकबिल की बात भी करें, उन्हीं को और हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये बात अभी जो नायक साहिबा ने कही है बिल्कुल सही कही है कि हमें उन लोगों को, जिन चीज़ों को, जो चीज़ें हमारी रह गई हैं और डेवलपमेंट की बातें हमें उसको उठाना चाहिए, उन्हीं को ऊपर हमको टेस्ट करना चाहिए कि किसी ने कितना काम किया है। एक सरकार, ये आखिरी पहली सरकार नहीं है, सन 50 से जो सरकारें आई रही हैं वो पार्टियां भी यूपी में वही हैं, उन्होंने अपने ज़माने में क्या डेवलपमेंट का काम किया, इन सब को कंपेयर करके हमें आगे की बात तय करना चाहिए। और कतई किसी इमोशनल इशू पर हमें इलेक्शन में किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने कल भी कही थी, आज भी कहूँगा और अंदर भी कहता रहूँगा। इमोशनल इशू पर जो लोग चाहते हैं कि इसका एटमॉस्फेयर को सरचार्ज कर ले कम्युनल लाइंस पर, उनकी सभी को मजम्मत करना चाहिए, हिंदू मुसलमान सभी को, क्योंकि ये प्रदेश कतई डेवलपमेंट नहीं कर सकता है अगर हम इस लाइन पर बटे रहेंगे। ठीक है, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपनी स्टेटमेंट पर यहाँ पर बने रहें। बहुत ही जल्दी यूपी इलेक्शंस भी होने वाले हैं। कलबे सादिक साहब, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को धर्म का ठेकेदार बनाया, चाहे असम की बात कर लें, यूपी के पीस पार्टी की बात कर लें, या फिर आपको हैदराबाद अगर लेकर चलते हैं, लेकिन हश्र क्या हुआ वो आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी जज्बाती वोट, इमोशनल सिंपथी वोट्स दिए जाते हैं। क्यों मुसलमान दो टूक ताल ठोक के ये नहीं बोल देते कि नहीं, हमें धर्म के ठेकेदारों की जरूरत नहीं है, जो डेवलपमेंट की बात करेगा वही हमारा लीडर है और यही लीडर की परिभाषा है? हमारे सामने एक मिसाल है, काफी जमाना हो गया जब मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था ये, कि जब यहूदियों को इसराइल में अपनी जगह मिल गई फिलिस्तीन में, तो वहां पर जो बड़े बड़े मल्टी बिलियनर यहूदी थे वो अपने प्रीस्ट के पास आए और आने के बाद कहा कि हमको हमारी ज़मीन मिल गई है, हम चाहते हैं कि इसका शुक्रिया अदा करें यहोवा यानी गॉड अल्लाह के लिए। तो प्रीस्ट ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो? उसका, हम जितने डॉलर या यूरो या जो भी आप कहें हम देने को तैयार हैं, लेकिन आप एक ऐसा धार्मिक स्थल ही हमारे लिए बना दें कि ऐसा धार्मिक स्थल ना हिंदुओं पास हो, ना मुसलमानों पास हो, ना क्रिश्चन्स के पास हो। वो समझदार प्रीस्ट था, उसने कहा कि मैं अगर हीरे का भी यहाँ पर बना दूँ तुम्हारे लिए बादलगा पूजा स्थल, तो यहोवा की नज़र में उसकी क्या हैसियत होगी, दो पैसे की भी नहीं होगी। इससे बेहतर यह है कि जो फंड तुम लाए हो ये मुझे दे दो ताकि मैं इसको एक रिजर्व फंड करार दे के इससे यहूदी बच्चों के डेवलपमेंट का इंतजाम करूँ, कोई यहूदी बच्चा ना गरीब रह जाए ना जाहिल रह जाए। ये विजन था उस लीडर का कि जिसकी वजह से आज कौम इतना आगे बढ़ी है। मैं बार बार कह रहा हूँ और जो हमारे जफरयाब जिलानी साहब ने कहा वो भी बहुत सही है,
और जो आजमगढ़ से कही गांत वो बात भी बहुत सही है। जब तक कोई कौम अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी और जो उसका लीडर है चाहे पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, जब तक उसमें विजन नहीं होगा उस वक्त तक कौम आगे नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल, और नाइश जी की भी बात सही है कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को दूर करके अब डेवलपमेंट मैनिफेस्टो पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए और हर मुसलमान को अपने हक के बारे में पता यहाँ पर होना चाहिए। उसे पता है कि आगे इमोशनल इशूज और सिंपथी काम नहीं होगी, हमें बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बहुत हो गई आइडियलिज्म की बातें। आखिरी सवाल सचर साहब आपसे, आपने तो हजारों पेज की रिपोर्ट बना दी, लेकिन क्या आपको पता है हर सरकार ने रिपोर्ट के जाल में ही अपने चुनाव जीतने के लिए उस वोट बैंक को उसी में फंसा कर रख दिया। तो क्या ये कौम अपने स्तर पर जागरूकता के लिए और आगे वो बेवकूफ ना बने, आगे उनको किसी तरीके का प्रलोभन ना दिया जाए, ये कौम अपने लिए क्या कर सकती है, ये कौम खुद अपनी लीडर कैसे बन सकती है? आखिरी सवाल आपसे। देखिए, ये जितनी जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूँ कि एक बेसिक फैक्ट मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमान इस मुल्क का उतना शानदार, उतना इक्वल सिटीजन नहीं है, इसलिए उसको जैसे किसी से कुछ मांगना है, ये बात नहीं है। मुसलमान को अपनी जो चीज चाहिए एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो अपना ये करे, ये नहीं कि जी किसी से मांग रहा है कि आप मुझे क्या दोगे। वो अपना हक ले रहा है तो हक तो लड़के लड़ना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा, पहली चीज तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो ये सीटें गलत तरीके से रिजर्व है वो फारग हो जाए, तो उससे आप देखेंगे कि 30-40 सीटें तो पार्लियामेंट में वैसे ही जाए वहां से सकती है जी। और ये जो आम इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि मुसलमान उस पार्टी को देखे कि वो कितनी सेकुलर है या क्या है, ये सब बिल्कुल गलत चीज सोचने की है। पार्टियां सारी कोई अब रिपोर्ट 10 साल से हो गई, नहीं अगर पूरी हुई तो फिर वो तो नॉन सेकुलर पार्टीज ने करी। तो इसलिए एज इंडिविजुअल सिटीजन मुस्लिम बस फील एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि मुस्लिम इस हिंदुस्तान का उतना ही सख्त बशिंदा है जितना के हिंदू है, क्रिश्चियन भी उसी किस्म का बशिंदा है। जब तक ये सोच हमारे दिमाग में नहीं जाएगी, और मैं मुसलमान भाइयों और बेटियों से और कहना चाहता हूँ कि आप ये सोच के चले कि मैं अपने मुल्क में जैसे मान लीजिए मुसलमानों की अक्सरियत होती तो फिर आप क्या करते, हिंदुओं के पास जाते, आप कहते मैं ये कानून बनाना चाहता हूँ, बनाएगा ठीक है, आप कीजिए फैसला कि ये मेरे हकूक है जो मेरे साथ जातियां हो रही हैं। अभी आने वाले चुनाव में मैंने जैसे शुरू में कहा था, मैं एक जस्ट एज एग्जाम्पल देता हूँ कि सब पार्टियों से आप कहिएगा कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाओ, क्योंकि अगर वो बन जाए तो जितने भी ये गलत और नाइंसाफी और तरीके से एक तरफा फैसले होते हैं उसे ये होगा कि फिर आप फौरन कोर्ट में जाके एक रिलीफ ले सकते हैं। तो कहिए सबको, पहला सवाल तो ये कीजिए। और फिर मैं बात कहता हूँ, मुसलमान को अपनी ताकत मांगनी है, उसे किसी से कोई भीख नहीं मांगनी है कि जैसे मैं कमजोर बैठा हूँ और तुम आके मेरा हाथ थाम दो। हाथ उसका उतना ही स्ट्रांग है जितना किसी और का है, उसका हक इस हिंदुस्तान पे उतना है जितना किसी और का है। इसलिए सबसे पहले तो ये अपनी साइकोलॉजी मुस्लिम को करनी पड़ेगी और दूसरे नॉन मुस्लिम जो है उनको ये मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, हमारे इक्वल ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर असुरक्षा डर की भावना को छोड़कर अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है और कोशिश यही करनी है कि वोट बैंक की कश्मकश में हम ना फंसे। आप तमाम सम्मानित मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इंडिया 24/7 पर मुसलमानों के हक का सवाल हम सुबह से ही उठा रहे हैं ताकि वो वोट बैंक तक ना सिमटे।